हेलो डियर स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं हम लिमिट। तो आज हम देखेंगे हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट। तो टॉपिक लिख लो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, इसको हटा रहा हूं, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स कैसे निकालते हैं, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, पहले हम कॉमन स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं फॉर ऑल द मेथड्स। तो स्टेप वन क्या होगा हमारा, जब भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, जब भी हमें कोई क्वेश्चन आया, तो अब सबसे पहला हमारा टारगेट होगा क्या देखेंगे हम, क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं। क्या फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन whether the given form is determinant or indeterminate। ठीक है, जैसे हमने इनडिटर्मिनेंट जो फॉर्म पढ़ा है उनमें से अगर कोई फॉर्म हुआ तो उसका फिर आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म है मतलब इनडिटर्मिनेंट नहीं है तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली हम एक्स का वैल्यू रखेंगे उधर और आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने लिखा एफ एक्स दिया है मेरा, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, और मुझे बोला कि लिमिट निकालो एज एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स टू। तो सबसे पहला टारगेट मैंने क्या बोला, हम देखेंगे कि ये क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, अगर है तो फिर हम आगे के स्टेप्स फॉलो करेंगे, और अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है तो वहीं मेरा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने x इक्वल टू 2 सबसे पहले इसमें रखा, तो न्यूमरेटर में रखा, तो न्यूमरेटर कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा अगर x 2 की तरफ जाएगा, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, सो दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स 0 न्यूमरेटर, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा वन ऑफ द 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, फर्स्ट वाला जो हम पढ़े थे, सेकंड इंडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़े थे हम 0/0। तो फिर इसमें तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे और जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, और मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप क्या करें, हम दोबारा चेक करेंगे, मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 0 इसमें रख के देखो क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज अगर x 0 को जाएगा तो न्यूमरेटर 3 को जाएगा, और डिनोमिनेटर कहां जाएगा, 1 को जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कहां जाएगी, 3 को जाएगी। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो पहला स्टेप बहुत मतलब सब कोई भी क्वेश्चन आए लिमिट का, पहला तुम्हारा टारगेट क्या है कि जो x जो वेरिएबल जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है वो रख के देखा हमारे एक्सप्रेशन में, फिर देखा कि कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, अगर बन रहा है तो हम फर्दर सॉल्व करेंगे, नहीं बन रहा तो वहीं खत्म। जैसे ये देखो ये नहीं बन रहा था तो यहीं खत्म हो गया, x की वैल्यू रख दी। क्लियर है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट स्टेप, ये कॉपी कर लेना जो मैंने एग्जांपल लिखाया। सेकंड स्टेप इज, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बना तो क्वेश्चन वहीं खत्म, और अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बना तब क्या होगा हमारा, वी विल कन्वर्ट दैट इंडिटर्मिनेंट फॉर्म इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या कन्वर्ट द गिवन इनडिटर्मिनेंट, गिवन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इंटू डिटर्मिनेंट फॉर्म, इंटू डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर है बच्चों, और ये जो पूरा एंटायर चैप्टर है ना वो पूरा केवल सेकंड पॉइंट पे है, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चन दिया होगा वो इंडिटर्मिनेंट होगा, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमें क्या करना पड़ेगा, उस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पूरा जो एंटायर चैप्टर है वो अब सेकंड पॉइंट पे ही है हमारा, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट लिमिट्स, उसमें हम क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया फिर एक्स की वैल्यू रख देंगे उसमें। क्लियर है, चलो और थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें अबाउट LHL एंड RHL, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा इफ रिक्वायर्ड देन कैलकुलेट LHL कॉमा RHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेपरेटली
सेपरेटली, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं हम। तो उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग ये तीन पॉइंट को कॉपी कर लो। जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना पहले उसका मतलब क्या है। उसने बोला है कि जब तक हमें जरूरत ना पड़े ना, तब तक हम LHL और RHL को सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर कोई बोलेगा कि सर जरूरत कब पड़ेगी, वो कैसे पता चलेगा? वो हम देखेंगे फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे, फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे। इससे मेरा मतलब है, देखो जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू, चलो मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट x टेंड्स टू वन। तो अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने देखा देख रहा हूं कि ये 0/0 का फॉर्म है, न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर को भी 0 जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। आगे हम देखेंगे ये मेथड होता है फैक्टराइजेशन, अभी देखेंगे आज की क्लास में, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। फिर मैंने ये फैक्टर कैंसिल किया। अब x अगर 1 को जा रहा है तो ये कहा जाएगा 1 प्लस 1 2 को जाएगा। तो दिस इज माई आंसर। तो आपको सोचो क्या इधर मुझे LHL और RHL निकालने की अलग जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो मेरा फैक्टर कैंसिल करने के बाद जो फंक्शन आ रहा था x प्लस 1, वो उसका बिहेवियर जो है ना वो x इज इक्वल टू 1 के अबाउट चेंज नहीं होता है। आप कोई बोलेगा सर फिर कैसा फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा? इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू विल सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अबाउट द इंटीजर्स, उनका जो बिहेवियर होता है ना वो एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, और मैंने बोला लिमिट निकालना एट लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से 1, ठीक है। अब इस केस में मुझे LHL और RHL को सेपरेटली एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन होता है ना उसका बिहेवियर इंटीजर्स पे एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है। तो इस पॉइंट का जो मतलब निकाला था थर्ड का वो यही है, जब तक जरूरत ना पड़े। देखो इधर जरूरत नहीं पड़ी हमें LHL और RHL कैलकुलेट करने की सेपरेटली, लेकिन इधर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इधर जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो उसका बिहेवियर एकदम चेंज होता है इंटीजर्स पे। तो उधर मैंने इसलिए लिखा था इफ रिक्वायर्ड देन कैलकुलेट LHL एंड RHL सेपरेटली, अदरवाइज हमारा बिना कैलकुलेट करे डायरेक्टली लिमिट निकालेंगे हम, LHL और RHL सेपरेटली नहीं निकालेंगे, बट इसमें निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो मैंने लिखा, पहले LHL की बात करते हैं। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। अब 1 माइनस है, इसका मतलब क्या है, 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब दिस इज समथिंग लाइक 0.99999। प्लस 3 करूंगा तो क्या आएगा मेरा 3.9999 समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3। तो LHL आया मेरा 3। अब RHL निकालेंगे, तो RHL की वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3। अब देखो मेरा क्या आएगा, अगर x 1 को टेंड कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, मतलब इट विल बी 1.000001, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है क्या आएगा, 3 प्लस 1.000001, तो मेरा ओवरऑल उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो दिस इज 4। अब मैं बोलूंगा LHL और RHL बराबर नहीं है, therefore limit does not exist। देख लो, since LHS is not equal to RHL, hence limit does not exist। तो समझ में आया, थर्ड पॉइंट में मैं थोड़ा स्ट्रेसली दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब वो डिपेंड करता है LHL और RHL, जब तक हम अलग सेपरेटली नहीं निकालेंगे जब तक जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली इसे इधर हमें विदाउट कैलकुलेटिंग LHL और RHL हमारा केवल लिमिट निकालने से काम चल गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब देखना इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या फॉर्मूले भी बोल सकता हूं जो कि ड्यूरिंग द लिमिट्स चैप्टर फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है ना। तो मैं उसको एक बार बता देता हूं। तो एज ए नोट भी लिख सकते हो तुम, एज ए फॉर्मूला भी है, इसमें एक दो फॉर्मूले भी हैं। पहला नोट है जो मैंने कल भी तुम लोगों को स्ट्रेस दिया था थोड़ा, 1/x के बिहेवियर पे, क्योंकि लिमिट में 1/x वाला टर्म बहुत बार आने वाला है। यू विल सी व्हेन यू विल प्रैक्टिस चीट्स, और इवन मैं अभी लेक्चर्स में लूंगा क्वेश्चंस, तो 1/x बहुत जगह आएगा। जैसे कल की लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था e की पावर 1/x, तो 1/x आया था, तो उसी के ऊपर नोट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं देखो, इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, देन 1/x विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, और ये भी प्लस इंफिनिटी। और इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस, देन 1/x विल टेंड टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1/x का बिहेवियर एकदम ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। जैसे सोचो मैंने बोला कि ये मेरा x इज इक्वल टू 0 है, मैं इधर से मूव कर रहा हूं, तो इस जब मैं इधर से मूव कर रहा हूं तो मेरा 1/x प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, और जैसे मैंने 0 को क्रॉस किया वो सीधा माइनस इंफिनिटी पे चला गया।
सो देयरफॉर दिस इज इंपॉर्टेंट. आया कैसे? जीरो प्लस मतलब क्या है? 0.0000 एक दो लाख बार लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, बहुत छोटा नंबर नियर टू जीरो. उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर, देयरफॉर प्लस इंफिनिटी. इधर जीरो माइनस मतलब क्या है? नेगेटिव साइड से जीरो का अप्रोच कर रहा हूं, मतलब माइनस 0.0000 समथिंग. तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना, बहुत जगह काम आएगा ये तुम्हारा. ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट. नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना क्या लिख रहा हूं मैं. a की पावर x की लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. वीडियो पॉज करके तुम लोग इधर लिखो, क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट डाउन. मैं अभी लिख रहा हूं. ठीक है, मैंने बोला कि अगर x इंफिनिटी को जाएगा तो a की पावर x का आंसर क्या होगा. तो वीडियो पॉज करके सोचो, मैं इसको बता देता हूं. मैंने बोला वो डिपेंड करेगा a क्या है, वो क्या डिपेंड करेगा, a क्या है. अगर a अगर मेरा 1 से बड़ा है, a अगर मेरा 1 से बड़ा है तो ये जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी को जाएगी. अब कैसे जाएगी वो समझते हैं. मैंने बोला 1 से बड़ा है, इसे कंडीशन लिख ले रहा हूं पहले, इफ a इज ग्रेटर देन 1. ये मेरा a की पावर x इंफिनिटी को जाएगा अगर a ग्रेटर देन 1 होगा. क्यों? देखो अगर मेरा a ग्रेटर देन 1 होगा तो लेट्स से मैंने a की वैल्यू 3/2 ले ली, तो अब मैं 3/2 को मल्टीप्लाई करूंगा ना इनफाइनाइट बार. इनफाइनाइट बार मतलब क्या होता है? बहुत, करोड़ों से भी बहुत ज्यादा बार. तो यू कैन सी न्यूमरेटर का जो चेंज है, न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि 3 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, ये इंफिनिट बार मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 2. तो ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी मेरी, दिस विल व्हाट, टेंड टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी. समझ में आया? इवन मैंने 3/2 तो बहुत बड़ा नंबर ले लिया 1 से. इवन मैंने बोला कि अगर ए की वैल्यू अगर देखना ध्यान से, ये स्टेटमेंट सुनना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने बोला अगर ए की वैल्यू मैंने 1.00000001 इतनी ले ली, इधर 1,00,000 जीरो लगा दी, मान लो देयर आर दीज आर 1,00,000 जीरोस, तब भी अगर मैंने बोला ना ए की पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, तो दिस विल बी इंफिनिटी ओनली. 1 से जस्ट बड़ा, इज इफ a इज ग्रेटर देन 1, जस्ट बड़ा मतलब बहुत छोट, माइन्यूट सा भी चेंज कर दिया मैंने, राइट की तरफ मूव कर गया, तो ओवरऑल इंफिनिटी को चला जाएगा. बिकॉज देखो a जब मैंने लिया तो ये फाइनाइट ही है, भले तुम 1,00,000 लगा दो जीरो, क्या 2,00,000 लगा दो, 2 करोड़ लगा दो, रहेगा तो ये फाइनाइटी 1 से बड़ा. बट मैं पावर जो लिख रहा हूँ वो इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी का तो कोई अंत ही नहीं है, मतलब मैं करते जा रहा हूँ मल्टीप्लाई, करते जा रहा हूँ. तो ओवरऑल न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर फिक्स है 1 है, तो क्या होगा हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा फिर मैंने लिखा अगर ए मैंने फ्रैक्शन लिया से मतलब 1/2 ले लिया, तो मेरा क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा. खुद सोचो अगर मैंने a की वैल्यू हाफ ली, तो क्या होगा, हाफ इनटू हाफ एंड सो ऑन. तो यू कैन सी कहां जाएगा, इनफाइनाइट बार में अगर मल्टीप्लाई करूंगा, तो फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नंबर और छोटा हो जाता है. तो ये छोटा हो गया 1/4, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 1/8, फिर 1/16, 1/32, 1/64. यू कैन सी नंबर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड इट्स टेंडेंसी इज टू मूव टुवर्ड्स जीरो. तो क्या हो जाएगा मेरा, द आंसर इज जीरो. तो ये जीरो हो गया इफ a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव बेस की हम कभी बात नहीं करते, तो आई विल नॉट टेक द केस विद बेस एज नेगेटिव. हाँ एक केस बचता है, a इज इक्वल टू 1, तो वो और लिख लेते हैं. पहले तुम एक्सप्लेनेशन पार्ट कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे का. मैंने बोला कि एक केस और रह गया, व्हेन a इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, a 1 है मतलब एग्जैक्ट 1 है, इधर लिमिटिंग जैसा कोई चीज नहीं है, a तो मेरा कांस्टेंट है, फिक्स होगा. तो मैंने बोला a अगर 1 है तो 1 की पावर इंफिनिटी, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा. डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल दिया a की पावर इंफिनिटी है, बहुत से बच्चे डायरेक्टली इंफिनिटी लिखते हैं, नहीं गलत हो जाएगा. वो डिपेंड करेगा a क्या है, a अगर 1 से बड़ा है तब मेरा a की पावर x क्या होगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा. और अगर मेरा x इंफिनिटी को जा रहा है, अगर a 0 से 1 है, तो मैं एक्चुअली आई शुड नॉट राइट 0, इट शुड बी 0 अप्रोचिंग. ठीक है, 0 अप्रोच, 0 को अप्रोच करेगा. हाँ लिमिट बोलूंगा मैं 0 होगी. देखो कभी भी, जैसे एक चीज और, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मैंने बोला ना कि लिमिट 0 को जा रहा है, मतलब x की, जैसे मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से यही एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. फिर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2. सुनना मेरा स्टेटमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर x 2 को जा रहा है तो मेरा लिमिट क्या होगा, लिमिट की वैल्यू तो आएगी मेरी कितनी, जैसे मैंने कैलकुलेट की तो x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल हो गया, x प्लस 2 आएगा ये, और x प्लस 2 पे x अगर 2 को जा रहा है तो x प्लस 2 कहां जाएगा, 4 को. तो मैं देखना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन कहां जा रहा है
एंड इसकी लिमिट क्या है। देखो फंक्शन मैं बोलूंगा 4 की तरफ जा रहा है, बट ये नहीं बोलूंगा लिमिट 4 की तरफ जा रही है। लिमिट तो एग्जैक्ट होता है, याद रखना लिमिट इज 4, लिमिट अप्रोक्स नहीं होता कि लिमिट 4 के आसपास है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा। बोलूंगा लिमिट इज एग्जैक्ट 4, इधर लिख लो लिमिट ऑफ अबव फंक्शन, अबव क्वेश्चन या फिर अबव क्वेश्चन इज एग्जैक्ट 4। मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन जो है वो 4 की तरफ जा रहा है, बट लिमिट ये नहीं बोलूंगा लिमिट 4 के आसपास है या 4 की तरफ जा रही है, नहीं लिमिट एग्जैक्ट होती है, ठीक है ना। चलो तो इसमें भी बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और आगे वैसे मैं ये पॉइंट एक बार और डिस्कस करूंगा आगे जाके, जब हम थोड़े और अच्छा लेवल पे पहुंच जाएंगे लिमिट्स में, एट द लास्ट ऑफ लाइक लास्ट के कुछ लेक्चर्स में आई विल फोकस अगेन ऑन दिस पार्ट कि लिमिटिंग जब मैं वैल्यू बोलता हूँ ना तो वो अप्रोक्स नहीं होता है, दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू रैशनलाइजेशन, बहुत सी जगह जरूरत पड़ेगी हमें रैशनलाइजेशन की, तो उसके आधार पे लिख रहा हूँ मैं, देखना नेक्स्ट नोट या थर्ड जो भी है। मैंने कहा रूट एक्स माइनस रूट वाई, इसको क्या लिखूंगा मैं, क्या करूंगा मैं रूट एक्स प्लस रूट वाई से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो ये भी हमें याद रखना है, ये क्यों किया टू रिमूव द रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट है तो क्यूब रूट को भी हैंडल कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, देखना ध्यान से, चलो यही कर देता हूं मैं, तुम इतना लिखो फिर इक्वल टू लिखो, मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने लिखा एक्स की पावर, चलो ऐसे लिख ले रहा हूं 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय, और इसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी, क्योंकि ए क्या क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 1/3, दिस इज वाई की पावर 1/3, और ये क्या लिखा है एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या होगा मेरा, ये क्या होगा मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए मेरा क्या है एक्स की पावर 1/3, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा एक्स, तो फाइनली दिस इज एक्स माइनस वाई अपॉन ये वो ब्रैकेट लिखा है, तो ब्रैकेट इधर लिख लो एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, ठीक है। तो ये टर्म भी यूज होगा, इसमें भी क्या करना हमने, इसमें क्यूब रूट हटाया हमने, इसमें स्क्वायर रूट हटाया, एंड बोथ यूजिंग रैशनलाइजेशन, क्लियर है बच्चों। चलो एक दो चीज और देख लेते हैं जो यूज होगी, मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी करो। एक साइन सीरीज का जो फॉर्मूला था वो भी कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे हम, अभी तो नहीं आगे चल के देखेंगे, बट फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, रिकॉल कर लेते हैं। सम ऑफ साइन सीरीज क्या था हमारा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, इसका प्रूफ भी मैंने 3 तरीके से बताया था तुम लोगों को, ठीक है ना। मैंने लिखा साइन ए साइन, चलो अल्फा के टर्म्स में लिखो, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, तो क्या हो रहा है हमारा जो एंगल है उसका कॉमन डिफरेंस इज बीटा, और ये जाता जाएगा एन टर्म्स है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, क्योंकि अब इसमें कितने एन टर्म्स है, इधर 0 बीटा से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 बीटा 2 बीटा अप टू एन माइनस 1 बीटा, तो दीज आर टोटल एन टर्म्स। इसका यूज होगा आगे जाके, हम लिमिट निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस में, आई विल टेक इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन साइन सीरीज, बट आज की क्लास में नहीं, बाद में देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, देखो साइन ऑफ एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2, देखो चाहे कोसाइन सीरीज हो चाहे साइन सीरीज हो, ये वाला टर्म तो सेम रहता था, ठीक है। और दूसरा जो टर्म आता था इसमें क्या आता था, साइन ऑफ, अगर साइन सीरीज है अब साइन ही आएगा, और क्या आएगा फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल होल डिवाइड बाय 2, तो फर्स्ट एंगल क्या है अल्फा, सेकंड लास्ट एंगल क्या है अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा, तो एन माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइड बाय 2, तो जाएगा एन माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा मैंने बोला अगर ये वाली सीरीज कोसाइन वाली होती तो ये वाला टर्म तो सेम रहता, तो इधर बस कॉस आ जाता और कोई चेंज नहीं है, इधर अगर cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा होता तब हमारा इधर ये वाला टर्म सेम रहता, बस इस साइन की जगह इधर cos आ जाता, ठीक है। अच्छा इसको वैसे लैंग्वेज फॉर्म में मैंने उधर कैसे लिखवाया था, n sin ऑफ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल,
और ये भी बीटा हो गया, और इसको लिखवाया था फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय टू। तुम एक बार लिख लो इसको दोबारा, दिस इज व्हाट फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, लास्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय टू, और एन क्या है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स, बीटा इज कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब हम मेथड्स देखते हैं टू इवेल्युएट द लिमिट्स, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम देख रहे हैं मेथड्स टू फाइंड द लिमिट्स। जैसे पहला मेथड होगा हमारा फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। सो दिस विल बी अवर फर्स्ट मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मतलब क्या है उसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, और ऑलरेडी हम ये कर चुके पहले, मैंने जब लिमिट समझाया है तुम्हें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी का एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने लिखा लिमिट, फंक्शन मेरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6, ठीक है। फिर मैंने बोला लिमिट, मुझे निकालना लिमिट एक्स टेंड्स टू 6। सो पहला काम क्या करते हैं हम लिमिट निकालने के लिए, ये वैल्यू देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट है या डिटर्मिनेंट है। तो मैंने एक्स की जगह 6 रखूंगा तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। डिनोमिनेटर मेरा कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया मेरा, जीरो बाय जीरो, ठीक है। तो मतलब मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या करें हम, अब फैक्टराइज करते हैं। अब देखो एक चीज और है, जैसे x is equal to 6 डालने पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब पक्का x is equal to 6 उसमें एक आएगा फैक्टर उसका। तो इसको मैंने लिख लिया फैक्टराइजेशन से x minus 6 into x plus 6 whole divided by x minus 6। अब मैंने बोला x अगर 6 को जा रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। कैंसिल क्यों कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो। देखो अगर हम कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो कभी कैंसिल नहीं करते हैं, बट ये जीरो अप्रोचिंग है, जीरो तो नहीं है ना, जीरो भले ठीक है जीरो के आसपास है, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है। तो इफ इट इज नॉन जीरो देयरफॉर आई कैन कैंसिल आउट। तो मेरा फाइनली क्या बना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 6 एक्स प्लस 6। अब अगर एक्स 6 को जा रहा है तो ये वैल्यू कहां जाएगी, 6 प्लस 6 12 को जाएगी, तो आंसर इज 12। तो लिमिट का आंसर 12 होगा। ये नहीं बोलूंगा मैं लिमिट 12 के आसपास है या 12 के आसपास है, या लिमिट 12 को अप्रोच कर रही है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है किसको, 12 को, देयरफॉर लिमिट इज एग्जैक्ट 12, ठीक है। अगेन मैं स्ट्रेस दे रहा हूं। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के ऊपर, मैं लिख लेता हूं एग्जांपल। देखना मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है। तो सोचो क्या होगा, सिंपल है एग्जांपल बहुत। मैंने बोला रख के देखें सबसे पहला टारगेट क्या है हमारा, कि हम जो जिस जो एक्सप्रेशन दिया है वो देखने कौन सा फॉर्म है। तो दिख रहा है कि अगर x 1 को जाएगा तो डिनोमिनेटर तो दिख रहा है 1 माइनस 1 0 को जाएगा, न्यूमरेटर देख लेते हैं 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 6 माइनस 6, तो न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है। अच्छा अब मैंने जैसे इधर बोला था अगर ये x इज इक्वल टू 1 रखने पर ये चीज 0 हो रही है, तो इसका मतलब 100% इसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया x माइनस 1 इंटू, अब दूसरा ये, अब नाउ सिंस दिस इज क्वाड्रेटिक तो दूसरा फैक्टर भी लीनियर होगा। अब वो लीनियर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम, इधर x स्क्वायर चाहिए तो इसका x इसके x से मल्टीप्लाई होगा तब x स्क्वायर आएगा, इधर माइनस 6 है इधर माइनस 1 है तो इधर क्या लिखूं प्लस 6। अब देखो अपने आप 5x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x सॉरी प्लस 5x माइनस 6 तो हो गया, और नीचे तो दिख ही रहा है क्लियरली x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये मेरा हो गया x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब मैंने बोला अगर x1 को जा रहा है तो आई कैन कैंसिल दिस बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, ये जीरो की तरफ जा रहा है बट जीरो तो नहीं है देयरफॉर आई कैन कैंसिल आउट। फिर क्या करूं, अब जो बचा हुआ फंक्शन है अब वो क्या इंडिटर्मिनेंट है, नहीं अब इंडिटर्मिनेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर x1 को जा रहा है तो न्यूमरेटर कहां जा रहा है 7 को और डिनोमिनेटर 2 को जा रहा है, तो ओवरऑल मेरी वैल्यू कहां जाएगी 7 बाय 2, तो आंसर इज 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूं। देखना मैंने लिखा एग्जाम्पल लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं,
अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला माइनस टू रखने पे ये तो ठीक है जीरो जा रहा है, ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार। तो माइनस टू रखूंगा तो माइनस टू का स्क्वायर इज फोर प्लस टू सिक्स, माइनस सिक्स जीरो को जा रहा है। अगर जीरो को जा रहा है तो डेफिनेटली एक्स माइनस टू इसका फैक्टर 100% होगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, पहले जो अंदर क्वाड्रेटिक लिखा है मैंने बोला उसका फैक्टर x प्लस टू होगा, क्योंकि x माइनस टू अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं तो हम क्या लिखते हैं x माइनस अल्फा लिखते हैं ना, तो इसको आई कैन राइट इट x प्लस टू इंटू एक और लीनियर फैक्टर और इसका होल स्क्वायर दिया है और नीचे दिया है x प्लस टू का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब वो फैक्टर देख लेते क्या आएगा, तो देखना एक्स स्क्वायर चाहिए तो मेरा इधर एक तो x आएगा, फिर देखना फिर मैंने लिखा माइनस सिक्स चाहिए तो इधर टू है, किससे मल्टीप्लाई हो टू की माइनस सिक्स आ जाए माइनस थ्री से, तो इधर मेरा माइनस थ्री होगा। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स, क्लियर है। अब ये एक्स प्लस टू का स्क्वायर लिखा है, इसको आई कैन कैंसिल विद दिस वन बिकॉज एक्स माइनस टू को जा रहा है तो ये नॉन जीरो है, ठीक है जीरो अप्रोचिंग है बट जीरो नहीं है, तो आई कैन कैंसिल दीज टू फैक्टर्स, तो मेरा फाइनली बचा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। फिर मैंने रखा क्या अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, नहीं अब तो हो ही नहीं सकती, माइनस टू इसमें रखा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना और कुछ मल्टीप्लाइड भी नहीं है फैक्टर्स, तो माइनस टू इसमें रखा तो माइनस फाइव का स्क्वायर कहां जाएगा 25 को, सो दिस इज 25, क्लियर है। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या है, फैक्टराइजेशन तो है, हम क्या कर रहे हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करके जिस फैक्टर के कारण इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हटा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, फिर हमारा जो क्लीन जो फंक्शन मिला वो हमारा डिटरमिनेंट आ रहा है, क्लियर है बच्चों। चलो और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वीडियो पॉज करो एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। अच्छा मैंने इधर वन प्लस लिखा है, क्या मैं इधर वन लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट वन, ऑफकोर्स वन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वन माइनस पे तो ये डिफाइन ही नहीं, वन माइनस तो इसके डोमेन में ही नहीं है, यू कैन सी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन तभी ये सारी क्वांटिटीज डिफाइन होगी, तो मैंने बोला वन माइनस है ही नहीं, वन माइनस नहीं है मतलब एल एच एल की तो बात ही नहीं होगी, आर एच एल की बात होगी, आर एच एल। अब मैं क्या लिख सकता हूं, दिस एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन लिख सकता हूं, this one means one plus only in this case, why, because minus one, one minus जो है ना that is not a part of domain, कल बताया था मैंने कि we will see within domain, जहां graph नहीं है वहां तो हम limit की बात ही नहीं करेंगे, that is here minus one minus मतलब 0.9999 उसके ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, वो domain में नहीं है limit, मतलब x is equal to one के left में इसका graph ही नहीं आएगा, clear, extra point था। चलो अब question पे आते हैं, तो मैंने लिखा वन इसमें रखा तो डिनोमिनेटर जीरो पे जा रहा है न्यूमरेटर भी जीरो जा रहा है, इसका मतलब एक्स माइनस वन पक्का फैक्टर होगा, तो ऊपर से अंडर रूट एक्स माइनस वन कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस वन, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस वन, और इधर बचेगा प्लस वन अपॉन इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, क्लियर है। तो वन पे जीरो हो रहा है तो इसी फैक्टर के कारण जीरो हो रहा होगा, फिर देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे अभी मैंने एक फैक्टर कैंसिल किया, जरूरी नहीं कि एक फैक्टर कैंसिल करने के बाद हमेशा डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाए, हो सकता है एक दो फैक्टर और कैंसिल करने पड़े, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जैसे अभी तो क्या है मैंने x = 1 रखा है रिमेनिंग एक्सप्रेशन में, तो रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू आया विच इज मतलब नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो अभी तो हो गया हमारा एक एक ही कैंसिल हुआ, बट बहुत से क्वेश्चन तो मैं ऐसे मिलेंगे कि एक बार कैंसिल करोगे, एक फैक्टर कैंसिल किया फिर जो एक्सप्रेशन बना दोबारा वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, फिर उसमें थोड़ी और मेहनत करेंगे, और ऐसा भी होगा, जरूरी नहीं है कि केवल फैक्टराइजेशन से हो, आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट हमने इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन से कर लिया सॉल्व, फिर कुछ पार्ट कुछ और मेथड से कर लिया, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो धीरे धीरे हम जंप करेंगे उस लेवल पे, अभी तो हमारा स्टार्टिंग है। चलो तो फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ, लिमिट आर एक्स वन को जा रहा है तो दिस इज रूट टू, दिस इज प्लस वन अपॉन रूट टू, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो दिस इज माय आंसर, क्लियर हुआ बच्चों। तो फील आ रही होगी हम क्या कर रहे हैं फैक्टराइजेशन में, हम वो इंडिटरमिनेंसी जिस फैक्टर के कारण आ रही है ना वो फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं है, क्लियर है। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू टू
फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 21 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट टू। तो रख के देखते हैं पहले इंडिटरमिनेंट है भी या नहीं है, तुरंत नहीं करना है फैक्ट, मतलब पहले देखना है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें देखना है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली आंसर बोलेंगे जो भी आएगा। तो लेट्स से रखते हैं, तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है रूट टू माइनस रूट टू। नाउ लेट्स फोकस ऑन न्यूमरेटर। तो व्हेन यू विल सी न्यूमरेटर, टू टू द फोर, फोर फाइव द 20, 20 प्लस टू 22, 22 माइनस 21 वन आ गया। ये तो न्यूमरेटर इज वन अप्रोचिंग और ये है जीरो अप्रोचिंग, तो क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है? नहीं है। ये तो हमारा कहां जाएगा? ये हमारा जाएगा इंफिनिटी को, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा डाउट हो सकता है किसी को कि सर अगर ये जीरो माइनस, ये आपने जीरो तो बोला बट ये जीरो प्लस और जीरो माइनस दोनों हो सकता है ना। अगर ये जीरो प्लस हुआ तो प्लस इंफिनिटी को जाएगा, जीरो माइनस हुआ तो माइनस इंफिनिटी को जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा? जो तुमने जब मैंने अभी बोला कि अगर ये जीरो प्लस हुआ तो प्लस इंफिनिटी को जाएगा, ये जीरो माइनस हुआ तो हमारा ये माइनस इंफिनिटी को जाएगा। बट इन दिस केस ये जीरो माइनस को जा ही नहीं सकता। वीडियो पॉज करके सोचो, मैं बता रहा हूं। द रीजन इज एक्स अगर टू को जा रहा है तो व्हेन आई लुक इन, मैंने जब इसका डोमेन निकाला तो मेरा डोमेन क्या होगा? एक्स शुड बी ग्रेटर देन टू, एक्स शुड बी ग्रेटर देन टू क्योंकि रूट के अंदर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेता हूं बट टू भी नहीं ले सकता बिकॉज टू में डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो मैंने बोला इसका जो डोमेन है, जो डोमेन है दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन टू, तो हम इसका जो ग्राफ होगा वो एलएचएस में आएगा ही नहीं, तो हम टू माइनस की तो बात ही नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट टू प्लस ओनली। और अगर टू प्लस होगा तो ये जो क्वांटिटी होगी दिस इज ग्रेटर देन रूट टू, तो ग्रेटर देन क्वांटिटी को अगर मैं इससे छोटी क्वांटिटी से घटाऊंगा, ऑफकोर्स बहुत क्लोज है दोनों, दैट विल बी, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो प्लस। तो ये जो जीरो अप्रोचिंग लिखा है ना मैंने, एक्चुअली दिस इज जीरो प्लस, देयरफॉर आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली प्लस इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ना? जैसे अगर मान लो एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए सुनना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, चलो इसी में एक क्वेश्चन बना देता हूं। मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 21 अपॉन x माइनस 2। अब मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2, अब क्या होगा? अब LHL और RHL ना अलग अलग आएंगे, अच्छी चीज मतलब एट अ टाइम मुझे क्लिक करा तो मैंने कहा बता देता हूं, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर इसमें क्या होगा, मेरा जो बिहेवियर है ना ड्रास्टिक चेंज होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। देखो मैंने बोला एक फैक्टर तुमने कैंसिल, नहीं 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 एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, टू पे रखा, हाँ ठीक है करेक्ट। तो मैंने बोला अगर पहले देखते हैं, तो टू रखा इसमें तो फोर फाइव सा 20 प्लस टू 22 माइनस 21, ये वन को जा रहा है और न्यूमरेटर किसको जा रहा है? जीरो को जा रहा है। बट हेयर जीरो को तो जा रहा है बट ये दो डायरेक्शन से जा सकता है, तो क्या होगा? ये जीरो माइनस भी हो सकता है, जीरो प्लस भी हो सकता है, therefore we have to analyze this separately। तो मैंने पहले क्या लिखा, LHL, लेट से पहले LHL लिखा, तो LHL लिखूंगा तो ये 2 माइनस होगा, 2 माइनस मतलब 1.9999 समथिंग, माइनस 2 करूंगा तो ये 0 माइनस आएगा, तो 1 अपॉन 0 माइनस तो क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। और RHL क्या होगा? दिस विल बी 2 प्लस, तो 2 प्लस मतलब 2.00001 माइनस 2 दैट विल बी 0 प्लस मतलब 0.0001 और 1 अपॉन दैट विल बी प्लस इंफिनिटी। तो बहुत अच्छी चीज सीखने मिली इससे, ठीक है ना। तो वो उसी चीज का एप्लीकेशन आ गया 1 बाय x का, उधर तो x 0 पे बात कर रहे थे ना, ये 1 अपॉन x माइनस 2 लिखा है बेसिकली, x 2 पे बात कर रहे थे वही 0 तो आ रहा है डिनोमिनेटर में। क्लियर है? चलो तो इससे हमने काफी चीज सीखने मिली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ये स्टार मार्क कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है ना, स्पेशली दिस पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना एमसीक्यूज में बन सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस में एलएचएस दे देगा माइनस इंफिनिटी, आरएचएस प्लस इंफिनिटी दे देगा, इसमें भी यही ऑप्शन दे देता। तो अगर ये चीज नहीं पता होता कि 1 अपॉन x माइनस 2 या फिर 1 अपॉन x अगर x 0 को जा रहा है तो ड्रास्टिक चेंज होता है प्लस माइनस इंफिनिटी, तो गलत हो जाता हमारा। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या लिखेंगे, लिमिट इज प्लस इंफिनिटी एलएचएल हो चाहे आरएचएल हो, बट एलएचएल और आरएचएल नीचे वाले केस में अलग आया, ऊपर सेम आएगा। ऊपर क्यों सेम आएगा? बिकॉज 2 माइनस तो डोमेन में ही नहीं है। क्लियर है? तो इसको स्टार मार्क कर लेना मार्क क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 20 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट टू। तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, मैं इसका डिस्कशन लेता हूं, ठीक है। तो देखते हैं, इधर डिनोमिनेटर तो जीरो जा रहा है, वही पहले वाला जैसे डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर देखते हैं, तो 2 टू द 4, 3 द 12, 12 प्लस 8, 20 माइनस 20। तो ये तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इससे पहले वाला नहीं था, ठीक है ना, इससे पहले वाला नहीं था, बट ये है। तो दिस इज जीरो अप्रोचिंग और ये भी जीरो अप्रोचिंग। अच्छा, अब क्या बोलूंगा मैं, अगर x इक्वल टू 2 रखने पे न्यूमरेटर का जो क्वाड्रेटिक है वो जीरो हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, इधर ही लिख लेता हूं, चलो x माइनस 2। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा देखना, मुझे इधर 3x स्क्वायर चाहिए, तो उसका x कोफिशिएंट लीनियर होना चाहिए पहली बात तो, और लीनियर में भी x का कोफिशिएंट क्या होगा 3x 3, तो 3x हो गया। अब मैं कांस्टेंट पार्ट पे फोकस करूं, माइनस 20 चाहिए, इधर माइनस 2 दिया है, तो डेफिनेटली प्लस 10 करना पड़ेगा, ऐसे फैक्टराइज करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं निकालते बैठेगा इसके रूट्स, यू हैव टू बी फास्ट। और नीचे लिखा है x माइनस रूट टू, रूट एक्स माइनस रूट टू, सॉरी। अच्छा एक बार चेक कर लो, कांस्टेंट पार्ट सेम आ रहा है क्या, 4x, तो ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x और ये 10x, तो 4x करेक्ट है मतलब, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला कि x इक्वल टू 2 रखने पे 0 अभी भी 0 है, अभी मैंने कैंसिल नहीं किया है, तो इसको मैं फर्दर कैसे लिखूं, रूट एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट एक्स प्लस रूट टू, और नीचे मेरा रखा है रूट एक्स माइनस रूट टू, और इधर लिखा है मेरा 3x प्लस 10, तो मैं इस फैक्टर को कैंसिल कर देता हूं, इसी के कारण तो इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी मेरी क्वेश्चन में, ठीक है ना, जीरो हो रहा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो कैंसिल आउट हो गया, अब इनडिटर्मिनेंसी खत्म हो गई। तो क्या रखो, एक्स की जगह रूट टू रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा उधर, रूट टू प्लस रूट टू, तो ये तो हो गया 2√2, और वो हो गया 3 × 2 = 6, 6 प्लस 10 16, तो फाइनल आंसर इज 32√2। दिस इज माई फाइनल आंसर फॉर दिस, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। मैंने कहा सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट थ्री, आज मैंने सेम ही कैटेगरी के ले रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना, तो आई वॉन्ट कि थोड़े जो टर्म्स है ना, टेंडिंग टूवर्ड्स या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, वो सब एकदम क्लियर हो जाए, और आज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इन्हीं दो टॉपिक पे लेंगे मोस्टली सारे क्वेश्चन, आज हम इसी के ऊपर कवर करेंगे, ठीक है। सेम कैटेगरी की, तुम्हें लगेगा कि सर एक कैटेगरी, बट जरूरी है वो, ठीक है, ट्रस्ट में। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x − 12, तो पहला स्टेप चेक करो डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो रूट थ्री रखा, तो रूट थ्री का स्क्वायर 3 − 3, न्यूमरेटर जीरो को जा रहा है, डिनोमिनेटर देखो रूट थ्री का स्क्वायर 3, और ये हो गया 9 और प्लस 3 12 − 12, ये भी जीरो को जा रहा है, तो ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अच्छा, तो ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री। अच्छा, डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, रूट थ्री इसका भी फैक्टर होगा, क्योंकि अगर रूट थ्री रखने पे ये क्वाड्रेटिक जीरो हो रहा है, इसके बाद रूट थ्री इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स माइनस, एक फैक्टर होगा एक्स माइनस रूट थ्री। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए एल सी की, इधर एक्स स्क्वायर है, तो जो दूसरा लीनियर फैक्टर होगा उसमें एक्स का कोएफिशिएंट 1 होगा। कॉन्स्टेंट पार्ट के लिए माइनस 12 यूज करूंगा, ये माइनस रूट थ्री है, तो माइनस रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस 12 आ जाए, 4 × 3 = 12 होता है ना, हाँ, तो मैंने बोला रूट थ्री इंटू एक्स शुड बी 12, तो ये कितना आया, ये 4 × 3 लिखा है ना, तो 4√3, तो ये हो जाएगा प्लस 4√3, चेक करो एक बार, माइनस 12 आएगा, 4 × 3 = 12, तो माइनस 12 आ गया। कॉन्स्टेंट पार्ट देख लो, तो 4√3x − √3x, 3√3x, 3√3x, तो करेक्ट लिखा है। अब क्या करें, ये वाला फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, इसी के कारण हमारा इनडिटर्मिनेंसी आ रही थी क्वेश्चन में, अब खत्म हो जाएगी वो। अब रूट थ्री रख दो क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर क्या बना 2√3, और डिनोमिनेटर बना रूट थ्री प्लस 4√3, 5√3, फिर रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, फाइनल आंसर इज 2/5, क्लियर हुआ बच्चा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी थोड़ा सा ठीक है एग्जाम्पल, मैंने कहा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3, हालांकि बहुत सिंपल ही है, जैसे ज्यादातर क्लिक कर ही गया होगा मोस्ट ऑफ दिस, 2 लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ दिस,
ठीक है चलो करते हैं। तो वन रखने पे क्या हुआ, जीरो जा रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो को जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं, फैक्टराइज कर लेता हूं। तो ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी लिख रहा हूं, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री, और नीचे लिखा है वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री। तो ये वाला फैक्टर कैंसिल, क्या आ गया, वन प्लस वन की पावर माइनस वन बाई थ्री, दैट इज वन प्लस वन टू। बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो अब आगे और मूव करते हैं। तुम लोग जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो वीडियो पॉज कर करके अपने से करते जाना, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। और अभी इंक्रीज करूंगा लेवल, डोंट वरी। चलो एक 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 और थोड़ा ठीक क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थर्टीन अपॉन एक्स की पावर फाइव प्लस सेवन एक्स क्यूब माइनस एट। चलो तो रख के देखते हैं, इसमें हमारा वो चीज यूज होगी, क्वाड्रेटिक में सीखे थे ना, जैसे क्यूबिक के रूट्स कैसे निकालते हैं, तो मतलब क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, हायर डिग्री पॉलीनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो चीज इधर यूज होगी। देखो पहले वन रख के देख तो लेते हैं कि इंटरमीडिएट है या नहीं, नहीं होगी तो फिर तो वही क्वेश्चन खत्म। तो वन प्लस फाइव सिक्स प्लस सेवन थर्टीन माइनस थर्टीन, तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, ये मेरा जा रहा है जीरो की तरफ। डिनोमिनेटर देखते हैं तो वन प्लस सेवन एट माइनस एट जीरो, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म है। अच्छा अब x इजिकल टू वन पे ये चीज क्यूबिक जीरो हो रहा है, जिसका मतलब इसका एक फैक्टर x माइनस वन होगा। तो देखो वैसे तो मैं तुम्हें बताता ये तीन बार लिखो, बट तीन बार लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्यूब ये स्क्वायर है, सॉरी ये लीनियर फैक्टर है, मुझे क्यूबिक चाहिए। तो अब एक ही फैक्टर में हम एडजस्ट करते हैं, दिस मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक। देखना कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, ये x इससे इधर क्या लिखा हो कि एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर ऑफकोर्स, देखो एक्स स्क्वायर आया, इन दोनों से एक्स क्यूब आ गया, पहला टर्म एडजस्ट हो गया, ये वाला काम खत्म। अब मैंने बोला इतना लिखने पे जो अभी लिखा है एट परसेंट, इससे माइनस वन भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, फाइव एक्स स्क्वायर चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर से मुझे फाइव एक्स स्क्वायर पे जंप करना है, तो मैं ये वाला जो फैक्टर है एक्स किससे मल्टीप्लाई हो, सिक्स एक्स है ना, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस सिक्स एक्स। बट इतना लिखने पे क्या हो गया, ठीक है ये वाला टर्म तो एडजस्ट हो गया, बट माइनस सिक्स एक्स एक्स्ट्रा आ गया, मुझे चाहिए सेवन एक्स, तो थर्टीन एक्स एड करना पड़ेगा, तो लिखा प्लस थर्टीन, थर्टीन इंटू एक्स, तो देखोगे अपने आप कॉन्स्टेंट पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा, माइनस वन इंटू थर्टीन माइनस थर्टीन। क्लियर है, दिस वे यू शुड फैक्टराइज। तीन बार मत लिखना, वैसे मैंने तीन बार लिख के बताया था, बिकॉज उस टाइम हम इलेवेंथ में थे, अब थोड़ा सा हमें फास्ट करना है, क्योंकि अभी तो ठीक है चलो थ्री डिग्री है, अब जैसे ये फाइव डिग्री है तो फिर पांच बार थोड़ी लिखोगे एक्स माइनस वन, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, कितना बड़ा हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला ध्यान से सुनना, दोबारा इसी टाइप से एक्सप्लेनेशन है इसका भी। देखो अगेन वन पे जीरो हो रहा है, तो इसका एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस वन। चलो अब दूसरा फैक्टर लिखते हैं, एंड ऑफकोर्स अदर फैक्टर मस्ट बी फोर डिग्री पॉलीनोमियल, क्योंकि फोर डिग्री इंटू लीनियर फाइव डिग्री आएगा। लिखते हैं, मैंने बोला ये एक्स किससे मल्टीप्लाई होगी, एक्स की पावर फाइव आ जाए, ऑफकोर्स एक्स की पावर फोर से, एक्स की पावर फोर। अब ऐसा इतना लिखने पे माइनस एक्स की पावर फोर आ गया, क्या इधर मुझे एक्स की पावर फोर चाहिए, नहीं चाहिए, तो ऑलरेडी माइनस एक्स की पावर फोर आ गया, तो प्लस एक्स की पावर फोर और आ जाए, वो कब आएगा, व्हेन एक्स इज मल्टीप्लाई विद एक्स क्यूब, तो प्लस एक्स क्यूब। अब इतना लिखा तो ये टर्म भी एडजस्ट, ये तो हो गया था ठीक है, हाँ इतना ही हुआ अभी। अब इधर क्या आ गया, माइनस वन इंटू एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स क्यूब, मुझे सेवन एक्स क्यूब चाहिए, तो प्लस एट एक्स क्यूब करना है, तो प्लस एट एक्स क्यूब कैसे आएगा, जब ये वाला एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, तो अब मेरा ये वाला टर्म भी एडजस्ट हो गया। अब देखो माइनस वन इंटू, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, एक बार और चेक करते हैं, एक्स की पावर फाइव मेरा आ गया, फिर से माइनस एक्स की पावर फोर आ गया था, फिर वो एक्स की पावर फोर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर इससे मेरा माइनस एक्स क्यूब एक्स्ट्रा आ गया, फिर मुझे सेवन एक्स क्यूब चाहिए था, तो प्लस एट एक्स क्यूब आ गया, ठीक है करेक्ट है, प्लस एट एक्स क्यूब करेक्ट है अभी तक। अब क्या हुआ, ठीक है सेवन एक्स क्यूब तो एडजस्ट हो गया, अब माइनस एट एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस वन इंटू एट एक्स स्क्वायर, तो माइनस एट एक्स स्क्वायर आ गया, तो प्लस एट एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स किससे मल्टीप्लाई हो, प्लस एट एक्स से। फिर ऐसा करने पे माइनस वन इंटू एट, माइनस एट एक्स आ गया, मुझे एक्स चाहिए नहीं, तो प्लस एट करना पड़ेगा, प्लस एट एक्स आ जाएगा। फिर देखो कि अपने आप कॉन्स्टेंट टर्म एडजस्ट हो गया, माइनस वन इंटू एट माइनस एट, एस इट इज फैक्टराइज। तो सोचो अब मैंने वो एक्स माइनस वन पांच बार नहीं लिखा ना, है वही चीज, बट एक ही स्टेप में आ रहा हमारा,
क्लियर है बच्चों? एक और एग्जांपल लूंगा इसके ऊपर, दोबारा हमारा रिवीजन हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। तो x माइनस वन इसी फैक्टर के कारण ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो हो रहे थे तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है चलो, अब मैंने बोला कि देखो इस केस में जैसे मैंने वन रखा तो अब तो इंडिटर्मिनेंसी खत्म हो गई, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिल सकते हैं कि दोबारा x इक्वल टू वन रखने पे इसमें जीरो हो जाए, इसका मतलब इसमें एक और फैक्टर होगा x माइनस वन का, इसमें भी x माइनस वन का एक और होगा। इस केस में नहीं है बट हो सकता है, मतलब एक फैक्टर कैंसिल करने के बाद दोबारा इंडिटर्मिनेंसी हो जाए, दोबारा कुछ ना कुछ, दोबारा x टेंड्स टू वन पे ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोबारा इसमें x माइनस वन आ रहा है। ठीक है, बट अभी नहीं आ रहा, अभी तो मैं डायरेक्टली अब आंसर आ गया, क्या आ गया, वन रख दो तो वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन प्लस थर्टीन ट्वेंटी, 20 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 8 10 8 18 26 सो दिस इज 10 बाय 13 सो दिस इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इससे हमें थोड़ा सा, मैंने इसलिए स्ट्रेस दिया इस क्वेश्चन पे, थोड़ा फैक्टराइजेशन वाला हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है चलो, अब वीडियो पॉज करो, अब सेम कैटेगरी का क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वीडियो पॉज करके तुम ट्राई करना सो दैट तुम्हारी ये फैक्टराइजेशन वाली प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर हायर डिग्री पॉलीनोमियल। तो इसी का मैं थोड़ा हायर डिग्री ले रहा हूं नाउ। The question is x की पावर 8 लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 8 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 1। तो वीडियो पॉज करो ठीक है ना, और खुद से करो एक बार, ठीक है ना, ज्यादा सीखने मिलेगा मैंने मान, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी फैक्टराइज करने वाली, मैं इसको बता रहा हूँ। चलो तो 1 रखने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों जीरो को जा रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में एक फैक्टर x माइनस वन होगा, पक्की बात है। अब आते हैं बाकी फैक्टर्स पे। नाउ दिस इज अ 1 डिग्री एंड ओवरऑल मुझे 8 डिग्री चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, 7 डिग्री पॉलीनोमियल होना चाहिए। तो 7 डिग्री 8 x की पावर 8 चाहिए, तो इधर क्या होना चाहिए, x की पावर 7, तो मेरा ये वाला टर्म एडजस्ट हो गया। ठीक है अच्छा, अब इससे क्या होगा, माइनस x की पावर 7 आ गया, तो ऊपर 7 तो नहीं चाहिए, तो प्लस x की पावर 7 चाहिए, तो प्लस 7 x की पावर कैसे आएगा, जब ये x x की पावर 6 से मल्टीप्लाई हो तो प्लस x की पावर 6, बट ऐसा करने से x की पावर माइनस 6 आ गया, मतलब माइनस टाइम्स x की पावर 6, x की पावर 6 नहीं है, तो मैं क्या करूं, प्लस x की पावर 5 कर देते हैं, क्योंकि x की पावर 5 इस x से मल्टीप्लाई होके उसको कॉम्पनसेट कर देगा। फिर ऐसा करने पे माइनस x की पावर 5 आ गया, वो भी नहीं चाहिए, तो प्लस x की पावर 4 कर दिया, ये x * x की पावर 4 x की पावर 5 बना के उसको कैंसिल कर देगा। फिर माइनस वन इंटू एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की पावर फोर, फिर वो भी नहीं चाहिए, तो क्या करूं, प्लस एक्स क्यूब कर देता हूं, प्लस एक्स क्यूब करने से ये एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर फोर बनेगा, फिर उसको कैंसिल कर देगा। फिर ऐसा लिखने पे माइनस एक्स क्यूब आ गया, वो भी नहीं चाहिए, तो मेरा हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इसे एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब आएगा, वो कैंसिल हो गया। फिर अब अगेन ऐसा करने पे मेरा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इवन वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करूं, प्लस एक्स कर देता हूं, सो दैट ये x उससे मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आएगा। अब देखना, अब इतना करने पे अब थोड़ा करना पड़ेगा, अब माइनस वन इंटू एक्स, माइनस एक्स आ गया, चाहिए क्या मुझे, माइनस टू एक्स, मतलब माइनस एक्स की कमी है, तो ये x किससे मल्टीप्लाई हो, माइनस वन से, तो माइनस वन किया। अब देखो कॉन्स्टेंट पार्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, अगर परफेक्ट किया होगा तो कॉन्स्टेंट पार्ट तो मैं अपने आप वेरीफाई हो जाएगा लास्ट में डिनोमिनेटर। अब सेम चीज नीचे, तो नीचे अगेन x माइनस वन एक फैक्टर होगा, फिर बाकी लिखते हैं, तो ऑफकोर्स x क्यूब से स्टार्ट करेंगे, इससे क्या हुआ, माइनस x क्यूब आ गया, वो नहीं चाहिए, तो प्लस x स्क्वायर कर दिया, x क्यूब आ गया। फिर अब मैं माइनस x स्क्वायर आ गया, वो भी नहीं चाहिए, तो प्लस x कर दिया, तो प्लस x स्क्वायर ने उसको कैंसिल कर दिया। अब ऐसा करने में माइनस x आ गया, माइनस टू एक्स चाहिए, तो माइनस वन कर दिया, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, और यू कैन सी कॉन्स्टेंट पार्ट भी एडजस्ट हो गया, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गए। अब रख के देख लो, अगर अभी दोबारा जीरो आएगा मान लो, तो फिर दोबारा इसमें से दोबारा हम x माइनस वन निकालेंगे बाहर, जब तक निकालते जाएंगे तब तक इंडिटर्मिनेंसी रिमूव नहीं होती हमारी। तो रखते हैं हम, तो 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 6 डिवाइड बाय 1 2 3 माइनस 1 2, सो आंसर हमारा आ गया 3, काफी क्लीन आंसर आया। ठीक है समझ में आया, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, तो करो इसको एक बार खुद से ट्राई, वीडियो पॉज करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखना, x अगर पाई बाय 6 को जा रहा है तो न्यूमरेटर मेरा कहाँ जा रहा है पहले वो देख लेते हैं। तो साइन ऑफ पाई बाय 6 इज हाफ, तो हाफ इंटू हाफ 1 बाय 4 इंटू 2 1 बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 1 माइनस 1, तो न्यूमरेटर मेरा जा रहा है जीरो की तरफ। अब देखते हैं हम डिनोमिनेटर, तो देखना डिनोमिनेटर मेरा ये हो गया मेरा
साइन पाई बाय सिक्स मतलब वन हाफ इंटू हाफ, वन बाय फोर इंटू टू वन बाय टू, वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू, और ये माइनस थ्री बाय टू, तो ये भी जीरो को जा रहा है। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कौन सा फैक्टर होगा, साइन एक्स माइनस हाफ पक्का। तो करके देखते हैं, तो मैंने लिखा साइन एक्स माइनस हाफ ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। समझ में आया ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज साइन एक्स इक्वल टू हाफ रखने पे ये जीरो हो रहा है। ये साइन एक्स की जगह तुम एक मिनट के लिए सोचो टी लिखा है, और अगर मैंने बोला टी टेंड्स टू हाफ पे ये जीरो हो रहा है, तो टी क्या है मेरा, टी माइनस हाफ इसका फैक्टर होना चाहिए, तो साइन एक्स माइनस हाफ ये मेरा आया। इधर क्या आया मेरा साइन एक्स, चलो अब फैक्टर लिख लेते बाकी टर्म। तो देखना साइन एक्स माइनस हाफ लिखा है, तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, टू साइन एक्स से, ठीक है। माइनस हाफ किससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस वन आ जाए, ऑफकोर्स प्लस टू से, तो प्लस टू। अब कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं एडजस्ट हुई कि नहीं, तो टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, परफेक्ट है। मतलब फिर सिमिलरली इधर करते हैं, तो साइन एक्स की टू साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इधर क्या होना चाहिए, टू साइन एक्स, फिर कॉन्स्टेंट टर्म वन आना चाहिए, माइनस हाफ किससे मल्टीप्लाई हो, प्लस टू से, सॉरी माइनस टू से, माइनस टू से होगा तो मेरा प्लस वन बनेगा। अब कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं, तो माइनस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस थ्री साइन एक्स करेक्ट। अब ये फैक्टर कैंसिल कर दो, तो अब साइन पाई बाय, अगर एक्स पाई बाय सिक्स हो जा रहा है तो साइन कहा जाएगा हाफ को, तो टू इंटू हाफ वन, वन प्लस टू थ्री, टू इंटू हाफ वन माइनस टू इज माइनस वन, सो आंसर इज माइनस थ्री। क्लियर है, चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय टू, और क्वेश्चन है टेन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स माइनस वन। वीडियो पॉज करके पहले सोचो, पहले ये देखो कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसमें डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा ना, अभी तक जो भी एग्जाम्पल किया उसमें दिख रहा था कि कुछ पार्ट न्यूमरेटर में था कुछ डिनोमिनेटर में था, तो फिर जीरो बाय, इन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जीरो बाय जीरो ही बना है, ठीक है ना। बट इधर देखो क्या बन रहा है, तो रख के देखते हैं, अगर एक्स पाई बाय टू को जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को, और ये कहाँ जाएगा, जीरो को, तो दिस इज माई जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, पहला जो फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म। तो करते हैं इसको, चलो तो जैसे मैंने तो उधर भी एक हिंट दिया था, हिंट हाँ काइंड ऑफ हिंट ही बोलूंगा, मतलब एक्सप्लेन किया था बेसिकली जीरो इंटू इन्फिनिटी और जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बेसिकली तीनों एक ही चीज है, तो बेटर है मैं इसको इन्फिनिटी को नीचे लेके जाके जीरो लिख दूं, कल बताया था ये। तो अब इसका मतलब क्या है, टेन स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाके लिख देता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखा मैंने, अब कौन सा फॉर्म हो गया, ये जीरो बाय जीरो। अब जीरो है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर यही वाला फैक्टर आ रहा होगा जिसके कारण ये जीरो हो रहा है, तो इसको मैंने क्या लिखा, साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस वन और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर ले गया साइन स्क्वायर एक्स। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इसको नीचे लेके गया हूं, डायरेक्ट तुम टेन स्क्वायर एक्स को साइन अपॉन कॉस लिख देते तब भी क्लियर हो जाता, तब भी तुम्हें आ जाता आंसर, ठीक है ना, आ जाता क्या मतलब, वो भी एक लॉजिक ही है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, फिर साइन को देता ही रहने दिया, कॉस वाला को इसके नीचे लिख लिया, फिर देखते जीरो बाय जीरो का है, साइन एक्स से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, फाइव बाई टू पे बना है। चलो इस पे आते हैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स। अब समझ में आया, इस वाले फैक्टर के कारण इनडिटर्मिनेसी आ रही थी, तो कैंसिल कर देते हैं, तो वन माइनस लिखा है, इधर साइन माइनस वन लिखा, तो माइनस वन टाइम कैंसिल हो गया, तो अब पाई बाई टू रख दिया, तो साइन पाई बाई टू इज वन, वन का स्क्वायर इज वन, ये माइनस वन से मल्टीप्लाई है, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस वन टू, तो आंसर इज माइनस हाफ। समझ में आया बच्चों, तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के, अब हम कुछ क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के ऊपर और देख लेते हैं, सो दैट हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट। तो चलो मैं लिखता हूँ कुछ क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के, तो आइडिया लग जाएगा तुम्हें रैशनलाइजेशन में, बेसिकली रैशनलाइजेशन में भी क्या होगा, मतलब जैसे कि ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे एक दो क्वेश्चन अभी मैंने लिए थे ना रूट एक्स माइनस रूट टू टाइप का, वो रैशनलाइजेशन से भी हो जाएगा, ठीक है ना, वो रैशनलाइजेशन से भी हो जाएगा। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो रैशनलाइजेशन जो है ना वो एकदम क्वेश्चन कैसे क्लिक करेगा कि तुम्हें रैशनलाइजेशन का है, 100% रूट वगैरह इन्वॉल्व होगा क्वेश्चन में, रूट वगैरह इन्वॉल्व है तो जैसे आगे मेथड पढ़ेंगे बाइनोमियल मेथड वो या रैशनलाइजेशन, यही दो काम आते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी रूट वगैरह क्वेश्चन में देखे एकदम तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग हो जाना चाहिए, हाँ भाई we'll try this with rationalization method, या फिर आगे जाके देखेंगे एक binomial method उससे भी होता है उसके question. तो अभी देखते हैं, तो पहले तो indeterminate form है क्या, हाँ है ना, 0/0 की है. चलो अब root वगैरह दिख रहा है तो क्या करूं मैं, rationalize कर देता हूँ numerator को. तो numerator को rationalize करना है तो root x, root 1 plus x minus 1 upon x लिखा है तो इस factor से कर देते हैं under root of 1 plus x plus 1, वही हो गया under root of 1 plus x plus 1. अब देखना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1. ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, इसी x के कारण इंडिटरमिनेंसी आ रही थी. तो अब ये कितना बना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1. अब क्या इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये, नहीं है. अब जीरो रख के देखो क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 1 हाफ. So this is my answer. ठीक है ना, कुछ नहीं है रेशनलाइजेशन में, मतलब बल्कि रेशनलाइजेशन एक तरीके का बोल सकता है इजी है. क्यों, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि रेशनलाइज ही करना है, और कोई बीच में और कोई तिकड़म नहीं लगेगी या फॉर्मूला नहीं लगेगा. ठीक है, एक्सेप्ट रेशनलाइजेशन. चलो अब मैं आगे क्वेश्चन और लिखता हूं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन. चलो इधर न्यूमरेटर में भी रैशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि नीचे भी रूट इन्वॉल्व है ऊपर भी रूट इन्वॉल्व है. तो स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो पॉज कर एक बार खुद से आंसर लगा उसका, ठीक है ना. अच्छा और मैं लिमिट कैसे निकाल, लिमिट किस वेरिएबल में निकाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वो तो लिखने भूल गए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो. तो पहले अगेन चेक कर लो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं. तो जीरो रखा तो ये जीरो रूट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज, और इधर बोल दिया इसने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी वैसे ए ग्रेटर देन जीरो, नहीं दी तो चलो मान लिया. तो ये हो गया a माइनस ए जीरो, और नीचे क्या हो गया a माइनस ए जीरो. तो आंसर इज इंडिटरमिनेंट फॉर्म है हमारा. तो रैशनलाइज किया, देखना आप रैशनलाइज कैसे कर रहा हूं. इस वाले फैक्टर का देखना प्लस वाला ऐड होगा, वो प्लस वाला इधर आएगा, तो मैं वो लिख रहा हूं केवल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, यहां थोड़ी स्पेस क्रिएट कर रहा हूं. इसका रैशनलाइजेशन वाला भी इधर होगा, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, इधर होगा वो प्लस वाले के साथ होगा, ऊपर लिख रहा हूं. ऐसा करके हो रहा हूं बताऊंगा अभी. ये हो गया अंडर रूट, लिखना है तो लिख लो बट टाइम टेकिंग है, जरूरी नहीं है इतना लिखने की हालांकि. ठीक है, वैसे रैशनलाइजेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इवन तुम माइंड में कैलकुलेट कर लोगे क्या बनने वाला है. ठीक है ना, चलो अब मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया, वो इधर इसलिए नहीं लिखा, मैंने कहा यही फैक्टर इधर आएगा तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इसका अंडर रूट हटा देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत ही नहीं है. दिस स्क्वायर माइनस स्क्वायर आएगा तो ये रूट हट जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन, यही इसलिए मैंने नहीं लिखा था. सिमिलरली ये इंटू ये हट जाएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट हट गया माइनस इसका अंडर रूट, ये हट गया. समझ में आ गया क्या करना है. चलो तो ए माइनस ए खत्म, एक्स माइनस एक्स टू एक्स आ गया, तुम इन लोगों को अलग अगले स्टेप में लिखना है, मैं इधर की इधर लिख रहा हूं. फिर देखो ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स, तो इस पूरे को हटा के माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए एक्स, ये x से ये x कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली हटा रहा हूं पूरा, दिस इज माइनस ए. ठीक है, अच्छा और ये भी डिनोमिनेटर में लिखा है, ऐसा लिखा है एट प्रेजेंट, आप रख के देख लो. अच्छा ऑफ कोर्स ये प्लस था, ठीक है ना, इट शुड बी प्लस क्योंकि हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया है ना, डिनोमिनेटर माइनस था तो रैशनलाइज करते वक्त प्लस लिया है. अब x इज x टेंड्स टू मेरा क्या था, 0 था ना, हां x टेंड्स टू 0 था, तो ये कितना हो गया रूट ए प्लस रूट ए, 2 रूट ए, तो ये 2 रूट ए, और ये हो गया मेरा ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए प्लस, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर, तो रूट थ्री है. एक बार चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेक्ट है, तो दिस इज माई आंसर. तो ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो, भले एक ए कॉमन लेके जस्ट कैंसिल आउट, तो नीचे बचेगा 1 प्लस रूट थ्री, तो फाइनल आंसर इज माइनस टू रूट ए डिवाइड बाय 1 प्लस रूट थ्री.
वेरीफाई कर लेना एक बार, अगर ऊपर नीचे कुछ अगर सिली मिस्टेक होता है तो, बट मेथड क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों जगह हमारा को रेशनलाइजेशन करना पड़ा इसमें। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी तक फील आ जानी चाहिए, ठीक है ना, रेशनलाइजेशन की भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स माइनस रूट थ्री होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, और लिमिट एक्सटेंड टू है। तो करो इसको पॉज करके वीडियो। चलो मैं इसको करता हूँ। तो ऑफकोर्स रूट दिख रहा है तो रेशनलाइजेशन, तो इस फैक्टर से रेशनलाइज किया, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स प्लस रूट थ्री। वैसे मैंने बोला न्यूमरेटर में लिखने की जरूरत है नहीं, बट मैंने लिख दिया फिर भी, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखना मैं इस फैक्टर को इसलिए बोल रहा था, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर के कारण ये रूट हट गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया हमारा। तो वन माइनस थ्री ये माइनस टू हो गया, ये हट गया हमारा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब देखो इसमें, हाँ देखो अब एक बार रैशनलाइज करने पर देखो इंडिटरमिनेंसी नहीं हटेगी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब x अगर 2 को जा रहा है तो ये कितने को जा रहा है, 4 को, तो रूट फोर इज टू टू माइनस टू, अगेन इंडिटरमिनेंसी आ गई। तो फिर मैं दोबारा रैशनलाइज करूंगा, तो अब मैं इस फैक्टर के कारण रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स प्लस टू, और इधर हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स प्लस टू। तो अब क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन ये रूट खत्म, ये वाला ब्रैकेट हटाया, इसको माइनस फोर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्स माइनस, ये अल्टीमेटली क्या बचा, एक्स माइनस टू, वो इस एक्स माइनस टू से कैंसिल। तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद न्यूमरेटर में वन एंड डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर। अब एक्स टेंड्स टू टू पे ऑफकोर्स ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं, रख दो बस डायरेक्टली। तो टू रखोगे तो ये क्या आएगा, टू प्लस टू फोर, रूट फोर इज टू, टू प्लस वन इज थ्री, रूट थ्री इज प्लस रूट थ्री, टू रूट थ्री, तो ये तो आ गया वन अपॉन टू रूट थ्री, और ये हो गया टू प्लस टू फोर, रूट फोर इज टू, टू प्लस टू इज फोर, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर वन अपॉन एट रूट थ्री। क्लियर हो बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा था कि जैसे एकाध फैक्टर कैंसिल, इससे पहले मैंने क्या बोला था, एकाध फैक्टर कैंसिल किया उसके बाद भी इंडिटरमिनेंसी रह सकती है, और ये रैशनलाइजेशन में भी ये चीज ट्रू है, वो हमने इधर देख लिया। पहले हमने रैशनलाइज किया था, एक रूट हटाया उसके कारण, ठीक है, सिंप्लीफाई हुआ एक, फिर दोबारा इरेशनलिटी आ गई, फिर हमने रैशनलाइजेशन करना पड़ा। तो कहने का मतलब दो बार तीन बार चार बार इतनी बार जरूरत नहीं पड़ेगा, दो बार में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट थियोरेटिकली बता रहा हूं, कितने भी टाइम हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है जब तक कि इंडिटरमिनेंसी खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस थ्री। वीडियो पॉज करो, सोचो, पहले देख लेता हूं मैं कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं। तो जीरो रखा तो वन माइनस वन जीरो, और नाइन रूट विच इज थ्री माइनस थ्री जीरो, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म है। तो क्या करें, रूट दिखाई दे रहा है तो वी शुड रैशनलाइज इट, तो रैशनलाइज कर रहा हूं। अच्छा अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, तो इसका प्लस वाला फैक्टर नहीं लिख रहा हूं, ऊपर नीचे लिख रहा हूं, बट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन, तो मैं भी यही हैबिट डालना जल्दी जल्दी में, ठीक है, अभी नहीं बट धीरे धीरे प्रैक्टिस। फिर इधर क्या होगा, ये प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो उसके कारण ये रूट हट जाएगा, माइनस वन स्क्वायर, तो विच इज वन ओनली, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। अब सिमिलरली आई विल रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑल्सो, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, इसी का प्लस वाला आएगा, वो मैं न्यूमिनेटर में लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री। डिनोमिनेटर के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर के कारण ये रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस नाइन, तो ये नाइन से नाइन कैंसिल, फिर ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर के कारण ही इंडिटरमिनेंसी आ रही थी। अब रख के देख लो, अब खत्म हो जाएगी, ये क्या हो गया, नाइन प्लस जीरो नाइन, रूट नाइन इज थ्री, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स डिवाइड बाय वन प्लस वन टू, तो फाइनल आंसर इज थ्री। तो सोचो कितना फास्ट हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है ना, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, रैशनलिटी में ऐसे एकदम ईजी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ऑलरेडी लेक्चर बहुत खिंच गया, थोड़ा फिर फास्ट जाता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन नंबर था। तो दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स बी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो करते हैं इसको। तो न्यूमरेटर में वो दिख रहा है हमें क्या, रूट वगैरह दिख रहा है, तो क्या होगा मतलब रैशनलाइजेशन काम आएगा। तो पहले एक्स बी रख के तो देखा एक बार, बी माइनस ए जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो इनडिटर्मिनेंट ये है, न्यूमरेटर में रूट वगैरह इन्वॉल्व है, हैंस आई विल रैशनलाइज इट। तो रैशनलाइज करूंगा तो न्यूमरेटर वाला अगेन मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस वाला डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए, ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ऊपर बचा एक्स माइनस बी, इधर मैं एक्स इसको भी फैक्टराइज कर लेता हूँ, एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, तो ये मेरा एक्स माइनस बी वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, इसी के कारण इंडिटरमिनेंसी आ रही थी, बी जा रहा था जीरो बाय जीरो की, अब 100% खत्म हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में तो वन बचा, डिनोमिनेटर बी प्लस बी इज टू बी, और ये कितना बचा ट्वाइस अंडर रूट, ये बी माइनस है बी माइनस है तो बी माइनस है, तो फाइनल आंसर इज वन अपॉन फोर बी अंडर रूट बी माइनस है, दिस इज द आंसर फॉर दिस। क्लियर हुआ बच्चों? तो पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, एक और क्वेश्चन बचता है, तो एक काम करता हूँ थोड़ा ठीक रहेगा, होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है ना, होमवर्क के लिए दे देता हूँ वो तुम लोगों को बोला क्वेश्चन, लिखो लिमिट, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर, लिमिट x is tending towards 2a, under root of x minus 2a plus root x minus under root 2a upon under root of x square minus 4a square. This we have to find. ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, इसका आंसर आई विल सेंड यू। सो बहुत है आज के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, ठीक है ना, मतलब क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टेज है ना हमारा, तो अभी का जो लेक्चर है इसको तुम रिवाइंड करके दोबारा देखना अगर कुछ भी डाउट आता है तुम्हें, ठीक है ना, और बाकी क्या बोलूं, दैट्स इट, ठीक है ना, तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ लिमिट्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।